गोरखा हित सर्वोपरि। पश्चिम बंगाल से जीते हुए सांसदों के लिए पश्चिम बंगाल के जीत के पुरोधा और हीरो कैलाश विजयवर्गीय ने डिनर का आयोजन किया, जिसमें दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा छाए रहे। नरेंद्र मोदी ने बंगाल में दीदी के अभेद किले को ध्वस्त करने का जिम्मा कैलाश विजयवर्गीय को सौंपा था। आज विजयवर्गीय ने बंगाल में सभी जीते हुए और चुनाव में पराजित हुए उम्मीदवारों को लंच पार्टी पर बुलाया था। सारे देश के चुनाव के मुखिया तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी थे, और इसके प्लानर लीडरशिप सब उनकी थी। हम लोग तो कार्यकर्ता की भांति वहां पर बंगाल को संभाले हुए थे। जैसा मार्गदर्शन वहां से मिलता था वैसा काम कर रहे थे। महज 35 साल के हैं दार्जिलिंग लोकसभा सीट से जीत कर आने वाले राजू सिंह बिष्ट। युवा सांसद राजू सिंह के मुताबिक मोदी नाम की सुनामी बंगाल में आई हुई थी और सुनामी की वही लहरें टीएमसी के लिए कहर बन गए। टीएमसी ने उनके ऊपर हमेशा से अत्याचार किया है, और टीएमसी ऐसा लग रहा था कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई गुंडों की पार्टी है। इतना अत्याचार, मतलब आप जाएंगे किसी के घर पे, कोई युवा जिसकी डेथ हुई है उसकी छाती में गोली लगी है, तो मतलब इस तरह का लोकतंत्र तो कहीं भी नहीं होता। तो लोग त्रस्त थे टीएमसी से, और जो मोदी जी का जो विकास मॉडल 5 साल तक लोगों ने देखा, उससे लोगों के अंदर में एक हिम्मत थी कि बीजेपी ही हमारे लिए कुछ कर सकती है। और मैं नया था पॉलिटिक्स में, बट इतना प्यार मुझे मिला, 4 लाख से ज्यादा मतों से मैं जीत के आया। तो मतलब कुल मिला के उस क्षेत्र को विकास चाहिए। बंगाल की 42 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी को हर सीट पर टक्कर मिली।